ज़ाफ़रान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन चार गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज़। फर्स्ट डे ऑफ कर्फ्यू इन हैदराबाद, पुलिस हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड चेकिंग डीसीपी साउथ जोन इंस्पेक्टर चांदमीनार ब्रीफ मीडिया एंड एट अदर प्लेस ऑफ हैदराबाद। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपील्स टू पब्लिक टू फॉलो कर्फ्यू नॉर्म्स, रिपोर्टेड बाय 18 तेलंगाना न्यूज़ टीम। आज रात 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी और इस महीने के अंत तक, अप्रैल महीने के अंत तक ये जारी रहेगी। 8 बजे से पूरे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है, सबको बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें इस दफ़ा बहुत एग्जम्पशंस दिए गए। इसमें पहला पूरा मीडिया एग्जाम्ट है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सर्विसेज और केबल सर्विसेज एग्जाम्ट है। इसमें ई कॉमर्स जैसे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो, ये सब एग्जाम्ट है। इसमें पेट्रोल पंप्स, गैस पंप पूरे एग्जाम्ट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एग्जाम्ट है, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इसमें एग्जम्पशन है उनकी, और जो गोडाउन से कोल्ड स्टोरेज है उनका भी एग्जम्पशन है, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज का है, और जो फैक्ट्रीज है जिसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है उसका भी एग्जम्पशन है। इनके अलावा पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, जीएचएमसी हो, कोई भी म्यूनसिपैलिटी या पंचायत हो, सबके लिए एग्जम्पशन है। और जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के काम, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, टेक्नीशियंस हो, कोई भी हॉस्पिटल में काम करने वाले सब लोगों को, गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी लोगों को इसमें एग्जम्पशन है। पेशेंट्स को एग्जम्पशन है, प्रेग्नेंट वुमेन को एग्जम्पशन है, और जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जा रहे हैं उनको अगर टिकट दिखाए तो उनको भी एग्जम्पशन है। इसके अलावा पिछली साल जब लॉकडाउन हुई उस टाइम पर एक गुड्स का रवाना के लिए एग्जम्पशन दिया गया, लेकिन उस टाइम पे सबको पास जारी करने की ज़रूरत है। अभी पास का लेने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी गुड्स व्हीकल जा सकती है। और सब लोगों से अपील है कि जो स्पेशली जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, रमज़ान का महीना चालू है और कल श्रीरामनवमी भी है, सबसे अपील है कि ये रेगुलेशंस के मुताबिक आपका एक्टिविटीज़ उसमें इस टाइम्स में रेगुलेट कीजिए, इस टाइम से ख़त्म होने की आप कोशिश करें और सब गवर्नमेंट से, पुलिस से आप कोऑपरेट करें। पिछले लॉकडाउन से आवाम पर लाठीचार्ज किया गया था, तो इस मरतबा आपने क्या इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिसर्स को? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई वायलेट करेगा उन पर केस बुक होगी। और इसके अलावा अगर सुबह के टाइम पे, डे टाइम पे, दोपहर टाइम पे मास्क पहनने के भी पाबंदी है, नहीं पहने तो उन पर केस लगाएंगे। नामपाली पुलिस स्टेशन के तरफ से और नामपाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तरफ से यहाँ पे महावीर हॉस्पिटल के पास चेक पोस्ट लगाया गया, और इसका स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्डर दी नाइट कर्फ्यू का, उसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हुए चेक पोस्ट को चला रहे हैं। यंगस्टर से और लोगों से अपील है कि अननेसेसरी बाहर मत आइए, ये वायरस को, कोरोना वायरस को थोड़ा हिसाब में कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए सब लोगों की में मदद ज़रूरी है। नामपाली पुलिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि पब्लिक इसको 100% जरा कोरोना स्प्रेड नहीं हुए सर का मेजरमेंट के लिए। थैंक यू।